हेलो भैया, रोहन पवार की वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी क्या कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें अपन के बाहर ट्रैवल भी करते हैं और कार वगैरह में क्या अपन को लगता है कि वायरस आ सकता है। तो मैंने इसका एक उपाय निकाला है कि ये मेरे पास एक बॉटल है, स्प्रे बॉटल सैनिटाइजर की है। इसके अंदर मैंने करीब करीब देख सकते हो कि ये 2 लीटर की बॉटल है और इसमें अपने को जो है 2 ढक्कन जो है, कि सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, फैक्ट्रीज में भी इसको लेना है और इसमें मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से शेक करके। तो फिर जैसे कि आप, मैं बता देता हूँ अपने को, जैसे आपके कार के फैब्रिक्स वगैरह होते हैं कि जैसे अपने हाथ लगते रहते हैं, इस पर सिंपली स्प्रे कर लो गाड़ी, थोड़ा दूर से करना ताकि अच्छी तरीके से फैल जाएगा। इस तरीके से जो है स्प्रे कर लो सब जगह पे, ताकि अपने को जहाँ लगता है कि भाई वायरस आ सकता है, तो उसके लिए अपन ये चीज़ कर सकते हैं। और जो ये होते हैं अपने, इनको तो अपन वॉश भी कर सकते हैं, गर्म पानी से एक बार धो दो, थोड़ा फवारा वगैरह लगा दो मतलब, तो इससे ये साफ़ भी हो जाएंगे। और कार मेरी पूरी क्लीन है देख सकते हो भाई, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं कार। अभी लाइट शाइन करी इसलिए ऐसा लग रहा है कि मिट्टी पड़ी, लेकिन पूरी चमक रही है देखो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे कर लेंगे इस तरीके से, थोड़ा दूर से करेंगे ताकि अच्छी तरीके से हो जाए। और फिर एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, कि भले ही आप सोडियम हाइपोक्लोराइड हो या सैनिटाइजर हो, मतलब कार का कोई भी ऐसा चीज़ आप स्प्रे कर रहे हो या रख रहे हो, भले चाहे वो परफ्यूम भी होगा, तो आपको करना क्या कि कार के ग्लासेस जो है वो थोड़े थोड़े खोल के रखने हैं। नहीं तो क्या होगा कि जो आगे वाला शीशा होता है अपना, वो ब्लास्ट होने का डर रहता है, मतलब क्रैक हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है भाई, कोई के कार में 7,000 आता है, कोई में 2,000 में से ही हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मैं भी बता रहा था, जैसे कि देख सकते हो कि ऊपर से मेरे कार का ग्लास जो है वो थोड़ा सा खोला हुआ है मैंने। आगे का भी देख लेते अपन। आगे की जो है आपको, एक तो मेनली जो स्टीयरिंग होती है कार की, इस पर स्प्रे करके रखना है अच्छी तरीके से। सीट्स तो है ही, ठीक है। और ये जो गियर नॉब होता है वो, और हैंड ब्रेक, क्योंकि ये जो चीज़ें है भाई, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने यूज़ में आती है, अपना हाथ बार बार इन्हीं पे लगता है, तो इसलिए इनको अपने को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। और जो डोर हैंडल्स वगैरह होते हैं नॉर्मली, वो चीज़ें भी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये स्प्रे तो कर रहा है और इसकी कार में निशान नहीं पड़ेगा, तो भाई इसका भी सबसे अच्छा इलाज है, 5 से 6 मिनट के लिए रख दीजिए, इसको सूखेगा नहीं ये इतनी जल्दी। और फिर करना क्या अपने को, सिंपली कि इस पर कपड़ा फेर देना बाद में, अभी हाथों हाथ मत फेरना, नहीं तो क्या इसका कोई यूज़ नहीं होगा पहली बात तो। ये देख लो, मैं तो पूरी कार में स्प्रे कर रहा हूँ, सीट्स वगैरह हर चीज़ पे, तो इससे होगा कि थोड़ी बहुत सेफ्टी, मान लो अपन ये नहीं मानते कि भाई इससे बैक्टीरिया नहीं मरेगा, तो कम से कम सेफ्टी तो है इसका। ये देख सकते हो भाई, इस तरीके से कुछ स्प्रे कर दिया। और ये जो जैसे परफ्यूम पड़ा रहता है, तो इसको मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, अगर आपकी कार ज़्यादातर धूप में खड़ी रहती है तो। और ये रूफ वूफ है, इस पर भी आप कर ही लीजिए स्प्रे, कोई नुकसान तो है नहीं इसका, इससे जो साफ थोड़ी बहुत अपन कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हो गए तो मर जाएंगे इससे। तो भाई इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं अपन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाई।